And then we will start. मैंने अभी स्क्रीन शेयर तो की थी, वेयर इज द स्क्रीन? आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, ओके मैम ठीक है। अच्छा अब आप देखें, अगर आप लोगों ने पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशंस हैं, ओके चले आप में से सारों की सॉल्व हो गई है, व्हाट इज द इशू विद दीज इक्वेशंस? मैम इनकंसिस्टेंट है, पूरी रो जीरो हो रही है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, वी कैन सी कि अगर मैं इसको जो है मैं नीचे लेके जाऊं तो वी हैव इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अगर मैं एडअप करती हूँ तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दे आर इक्वेशन इक्वल टू इक्वेशन थ्री, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मगर राइट हैंड साइड पे जो है 4+1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो बेसिक एंड देन एक्चुअली दिस इज एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने लिखी तो ओवर डिटरमिनेंट के केस में है, लेकिन अभी मुझे ख्याल आया कि दिस इज नॉट ओवर डिटरमिनेंट, दिस इज एक्चुअली मैट्रिक्स ए जो के स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दिस इज एक्चुअली आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, कि अगर आपके पास स्क्वायर ए भी मौजूद है मगर इनकंसिस्टेंट है तो उस केस में आपका जो सिस्टम होगा वो इल्पोज प्रॉब्लम है एंड इट मींस के यू कैन नॉट सॉल्व फॉर इट। और अगर इसमें से जो है फर्ज करें इसी सेट में से मैं एक्स थ्री को निकाल ही देती हूँ एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व अगेन, तो उस केस में जो है इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर डिटरमिन सिस्टम, जिसके हम एक्चुअली अगर फर्ज करें कि ये तीनों में निकाल देती हूँ और उस केस में करती हूँ तो द रिलेशनशिप स्टिल रिमेन्स द सेम, कि आपके पास जो इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वल टू इक्वेशन थ्री है फ्रॉम वन साइड बट नॉट फ्रॉम द अदर साइड। तो ये अगर हमजा आ गए हैं तो हमजा इट एक्चुअली आंसर्स योर क्वेश्चंस, कि आपके पास जो है लगता यही है, फील यही होता है कि अगर आपके पास इक्वेशन ज्यादा है और अननोन्स कम है तो दिस शुड बी अ परफेक्ट आंसर, बट इट एक्चुअली डजंट हैपन। व्हाई? बिकॉज बेशक अननोन कम है लेकिन इसमें ये इशू आ जाता है कि वो जो एक्स वन और एक्स टू अगर फर्ज करें आप यहाँ से निकाल रहे हैं और 10 इक्वेशंस हैं जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज एक्स वन और एक्स टू चाहिए, तो वो एक्स वन और एक्स टू जो है उन 10 की 10 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है एंड इट रेयरली हैपन्स कि आप कोई भी ऐसा एक्स वन एक्स टू निकाल सकें जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इन दैट सिचुएशन आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशंस को निकालते हैं या हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी और वेक्टर स्पेस में जो कि हम ऑलरेडी करते रहे। ठीक है, सो नाउ वी नो कि हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस के जिसमें वी डोंट हैव, ठीक है ये वो वाली चीज है जो हम अगेन अभी देख चुके हैं कि इवन इफ एम इज इक्वल टू, ये जो पीछे सवाल था जी पीछे जो आपने सवाल दिया है इसके अंदर तो नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन सेम नहीं है। यही मैं कह रही हूँ कि मैंने गलत एग्जांपल अभी मुझे ख्याल आया करते करते कि सेम है, तो अगर फर्स्ट करें लेकिन ये कि इन केस अगर आप इसको ओवर डिटरमिन में बनाना चाहते हैं तो जस्ट रिमूव दीज इक्वेशन दीज, ये जो एक्स थ्री है ना इसको खत्म कर दें। ठीक है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर मैं फर्स्ट करें अब क्या हो गया, अब दिस इज द इक्वेशन विच हैज ए एज व्हाट -2, 6, 3, -1, and 1, 5 x is x1 x2 and y is 1, 4, or -1। ठीक है, अगर अगर मैंने ये इक्वेशन दे दी तो नाउ दिस इज एक्चुअली ओवर डिटरमिन्ड केस बट स्टिल दिस इज नॉट सॉल्वेबल क्योंकि इक्वेशन ये वाली जो कंडीशन है वो तो इसमें भी जो है वो एक साइड पे होल्ड कर रही है दूसरी साइड पे नहीं कर रही। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज के ये देयर आर इवन फॉर m इक्वल टू n, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल डायरेक्टली एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज के ये जो तमाम की तमाम चीजें जिसकी हम बात कर रहे हैं वी कैन एक्चुअली सॉल्व देम बाय यूजिंग सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन या एस वी टी। और बेसिकली अब इस कोर्स के इस पार्ट में जो एंड पार्ट हम बात कर रहे हैं वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस एस वी टी बिकॉज एस वी टी जो है या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक तो ये रीजन जो हम देखेंगे कि इट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम एंड देन यू विल सी लेटर ऑन कि दिस इज बेसिस ऑफ मेनी
एल्गोरिदम्स इन मशीन लर्निंग ऑल्सो, क्योंकि इसी की बेस पे जो है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं वो ईल्फोस प्रॉब्लम्स होते हैं, इन द सेंस के नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड अननोन्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल, और उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक जो है वो हम एसवीजी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स भी हम बाद में देखेंगे. बट इन ऑर्डर टू रीच एसवीडी देर आर सर्टन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हम रिविजिट करना चाहेंगे. अगेन लीनियर अलजेब्रा में आपने उसको पढ़ा हुआ होगा, बट वी नीड टू नो दैम फ्रॉम सम अदर एंगल्स बिफोर वी रीच टू एस वी डी. उनमें से जो सबसे पहली चीज हम देखना चाहेंगे दैट इज आइगन डीकम्पोजिशन. अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा होता था? सबको पता होना चाहिए जी. एनीवन क्या करते हैं सिंपल अगर आप आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं? मानूर, शाहिंजा, विक्रम, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम जा रही है. याद नहीं है आइगन वैल्यू. याद नहीं? अच्छा चलिए आइगन वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम वी यूज टू हैव समथिंग लाइक दिस ए वी इक्वल टू लैम्डा वी. ठीक है, और वेयर वेयर दिस लैम्डा इज आइगन वैल्यू. ठीक है, एंड दिस वी इज आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली अगर सिर्फ इक्वेशन को, और ये क्या है, ये मैट्रिक्स है कोई भी, तो अगर मैं सिर्फ इक्वेशन को देखूं तो व्हाट इज हैपनिंग कि व्हाट दिस इज टेलिंग मी इज कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर किसी मैट्रिक्स को मैं आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उस मैट्रिक्स का ये आइगन वेक्टर है. ठीक है, ये इसी का आइगन वेक्टर है. अगर मैट्रिक्स को मैं उसके आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन या इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हमें पता है वी हैव सीन अर्लियर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ये जो है वो एक डोमेन से दूसरे में लेके जा रहे होते हैं, या उसी इस स्पेस में वेक्टर स्पेस में डिफरेंट तरह से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं चीजों को, जो मैट्रिक्स होता है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि अगर हम लीनियरली हम ट्रांसफॉर्म कर लें लीनियरली दिस वेक्टर वी को विद मैट्रिक्स ए, सो द इफेक्ट इज only multiplication by some number lambda, and this number can be real or complex. ठीक है, this is something very interesting कि हम ये कह रहे हैं. For example, अगर फर्स्ट करें कि ये real है, two है lambda, so what I am saying is कि अगर मेरे पास v कोई ऐसा vector था तो मैंने a से multiply किया तो simply v क्या हो जाएगा, two times v हो जाएगा, that's it. ठीक है, but this will not be true for all the vectors जिसके साथ हम multiply कर रहे होंगे. This will be true only for the vectors जो के eigen vectors होंगे. ठीक है, so and let's see आगे हम क्या करते हैं. हम इसको एक तो eigen vectors और eigen values को देखते हैं, then we will try to solve के कैसे, कुछ examples हम करके देखते हैं. We will see some plots के जिसमें हम ये देखेंगे कि basically हो क्या रहा है अगर आप eigen value से multiply करते हैं या decomposition कर रहे होते हैं, and then we will talk about something else के जिसको हम देखते हैं. So let's first move to this thing. Oh, ये कहाँ गया, बीच में से मैंने कुछ skip किया. जी जी, तो this is actually eigen value and eigen vector decomposition. अच्छा, at the end of the day purpose जो हमारा है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करना. अगेन रिमेम्बर दिस थिंग कि मैं बहुत सी चीजें जो है वो आपको बताऊंगी बीच में, जो कि शायद अभी आपको लिंक ना बना रही हूँ, बट दे विल ऑल बी जॉइन टुगेदर जब हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की बात करेंगे. हमने बेसिकली सिमेट्रिक ए एक तो हमने डिस्कस करना है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन तक जाने के लिए, दूसरा जो है आइगन वैल्यूज को डिस्कस करना है. ठीक है, तो फिलहाल जो है वो सिमेट्रिक की तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है. एक तो पहली बात ये कि जब अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए या ए हर्मिशियन ए हैज टू बी इक्वल टू ए, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली अगर आप स्क्वायर लेते हैं. अगर स्क्वायर नहीं लेते तो वो पॉसिबल क्यों नहीं होगा वैसे, कौन बताएगा मुझे?
आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ही स्वैप हो जाएंगी तो वो तो उस डोमेन में बचेगा ही नहीं. अगर आपके पास ए तो कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकता एम बाय एन. अगर एम और एन डिफरेंट है तो वो स्वैप करने से जो है वो एम बाय एन की बजाय एन बाय एन एम हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि वो सिमेट्री का तो पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है. सो और ये डेफिनेशन आपको पता है कि इट विल बी, अगर ये रियल वैल्यू है और तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा अगर स्वैप करने के बाद या ट्रांसपोज लेने के बाद सेम होता है. और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है तो हर्मिशियन कहलाएगा, जिस मींस के कुछ इस तरह का होता है. एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इवन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उस केस में भी डायगनल हैज टू बी रियल, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज या हर्मिशियन नहीं होगा बिकॉज उसमें कॉन्जुगेट भी आप ले रहे होते हैं. तो अगर आपके पास डायगोनल रियल नहीं है तो कॉन्जुगेट उसके इक्वल कभी भी नहीं आ रहा होगा बिकॉज कॉन्जुगेट में साइन भी चेंज हो जाता है. ठीक है. अच्छा, अब हम इन मेट्रिसेस को हम बाद में देखेंगे कि सिमेट्रिक मेट्रिसेस के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं. वो देखने के लिए फिलहाल वी विल जस्ट स्टार्ट विद द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स. ठीक है. तो उसके लिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ये फॉर्मूला तो हमने अभी देख लिया है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को जो है वो हम इस तरह से कर रहे होते हैं जी. ये हमारे पास जो है वो डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला है. आई वांट यू टू सॉल्व फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. कर सकते हैं सॉल्व? ओके, लेट मी राइट डाउन द स्टेप. कैसे करना है आपने सॉल्व? आपके पास मैट्रिक्स ए है जो कि यहाँ गिवन है. आपको अगर भूल चुका होगा तो जस्ट फॉर द रिमाइंडर, आपने क्या करना है, लेट सपोज के वी इज इट्स आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज द आइगन वैल्यू. हमने क्या करना है, हमने ए वी इक्वल टू लैम्डा आई इक्वेशन लैम्डा वी से इसको सॉल्व करना है. तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं माइनस का साइन लगा के, ठीक है, माइनस का साइन लगा के आई विल ब्रिंग इट ऑन वन साइड. लेकिन दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर एंड दिस इज अ मैट्रिक्स, तो हम इसके साथ आई भी लगाएंगे in order to make it, and then this will become zero. Yeah, in other words, A, V, or again, A minus lambda I times V equal to zero. Isko solve karne ke liye aapne kya karna hai? You need to solve for determinant of A minus lambda I equal to zero, which is called characteristic equation. ठीक है. अब देखें ये वाला जो है A minus lambda I, तो मैंने खुद यहां पर लिखा हुआ है. In two minutes, what I want you to do is मुझे determinant से लैम्डा की वैल्यूज निकाल के दिखाएं क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट. ओके, लेट मी राइट इट हियर. डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिटरमिनेंट ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, साथ साथ करते हैं. चलिए, कौन बताएगा मुझे, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा? ए माइनस लैम्डा वी जो है, ए माइनस लैम्डा आई, ये है ना सिर्फ ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस इज ए माइनस लैम्डा वी आई, डायगोनल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 माइनस लैम्डा. ओके, माइनस 1 माइनस लैम्डा इनटू 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1.5 माइनस 1.5 इनटू 0.5. ठीक है. तो अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करती हूं तो क्या बन जाता है. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. यहां देख लेते हैं क्योंकि एक तो मीटिंग टाइम भी कम होता है. ठीक है. तो ये अब मेरे पास क्या बन रहा है, ये चीज जो मैंने यहाँ सॉल्व की, आप खुद करके देख लीजिएगा बाद में, अगर आई वुड एडवाइस के कीजिएगा, लेकिन हम अभी फिलहाल टाइम नहीं लेते. ठीक है. तो वी हैव टू लैम्डास आइगन वैल्यूज, वन इज लैम्डा वन इक्वल टू 0.5,
okay, and the other one is lambda 2 equal to minus 0.5. Now this actually is called the spectrum of जो सेट अगर मैं बना देती हूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ लैम्डा ए से विच इज द सेट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज 0.5 एंड माइनस 0.5 दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स स्पेक्ट्रम ठीक है कि आपके पास जो है अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे कुछ याद है आइगन वेक्टर्स के लिए देखें अगेन यही वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया हुआ था ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स वी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मूले से चले थे ना हम ओके तो ए माइनस लैम्डा आई क्या बन जाएगा अब हमारे पास लेट्स सपोज के आई एम सॉल्विंग फॉर लैम्डा इक्वल टू 0.5 सो व्हाट विल बी ए माइनस लैम्डा आई अपने पास करके मुझे मैट्रिक्स बताइए क्या बनता है जी क्या मैट्रिक्स आ रहा है माइनस लैम्डा है यहां नजर आ रहा है ना मुझे माइनस 1.5 माइनस 1.5 ओके एंड देन अगेन माइनस 1.5 यस एंड 0.5 टाइम्स वी तो इसका मतलब है वी वन वी टू इक्वल टू जीरो ये मेरे सेट ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं ठीक है यहां से मुझे नजर आ रहा है बेसिकली कि दोनों जो है वो द फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ द सेकेंड इक्वेशन क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही है ठीक है तो इसका मतलब है कि आई कैन जस्ट राइट वन इक्वेशन यानी एक्चुअली जो है वो रैंक वन मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है सो दिस इज और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा वी वन मेरा जो स्टाइल बड़ा ही तंग करता है अच्छा वी वन इज इक्वल टू माइनस वी टू माइनस ही आएगा ना नहीं नहीं माइनस अगर हाँ माइनस आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है ना अगर उधर चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ठीक है तो या इन अदर वर्ड्स मेरे पास जो अगर मैं कह देती हूँ कि जो मेरे पास वेक्टर है फर्स्ट उसको मैं सॉरी चले मैंने मेरा ख्याल आगे वो किया हुआ है सो लेट मी जस्ट तो अगर मैं उसको जो है वो वी वेक्टर वी वन कह देती हूँ द होल वेक्टर वी वन तो इट विल बी अगर मैं वी वन वी टू को जो है वो इफ आई टेक वी टू टू बी माइनस वन तो v1 1 आ जाएगा तो ये पूरा वेक्टर जो है दिस विल बी 1 एंड माइनस 1 और सम टाइम्स जो है यू विल बी आस्क्ड टू नॉर्मलाइज दिस वेक्टर आल्सो वी विल सी लेटर ऑन क्योंकि सम टाइम्स दिस वेक्टर्स आर एक्चुअली द बेसिस वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस तो क्योंकि हमने पता है कि हम इसको ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है फिर आप यू वुड राइट इट लाइक दिस के आप उसके नॉर्म से जो है उसको डिवाइड कर देंगे अच्छा सिमिलरली फॉर लैम्डा टू मैं सॉल्व नहीं करूंगी लैम्डा टू को अगर आप इसी तरह से इक्वेशन में लैम्डा की जगह माइनस 0.5 लगाते हैं तो यू शुड गेट द वेक्टर वी टू वन ऑफ द वेक्टर्स ठीक है अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप वी टू को क्या रख रहे हैं वी वन उस हिसाब से चेंज होता रहेगा इट विल बी लाइक दिस और नॉर्मलाइज वी टू जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा जो कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है ठीक है और व्हाट आई हैव रिटन इन द लास्ट सेंटेंसेस के रियल आइगन वैल्यूज आ रही है हमारे पास एंड दे विल चेंज द लेंथ और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ओनली सो फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मैं ये प्लॉट करती हूँ या ये एक्चुअली मेरे ख्याल है मैंने अगले किसी स्लाइड में प्लॉट भी किया हुआ है सो लेट्स मूव टू फॉरवर्ड अच्छा ये तो हमने रियल की बात कर ली लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन जब हमारे पास इमेजिनरी आइगन वैल्यूज आ रही है ठीक है आई हैव अ वेक्टर हियर I have a matrix here, which is 1 minus 1, 1, 1. इसको मैंने उसी तरह से सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट निकाल के और यहाँ से मेरे पास आइगन वैल्यूज जो आ रही हैं, दे आर एक्चुअली 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस जे एंड 1 माइनस जे
ठीक है, कि इमेजिनरी वैल्यूज मेरे पास आ रहे हैं. और इस केस में जब मैंने लैम्डा वन को वन प्लस जे लिया है तो वी वन मेरे पास ये वेक्टर आ रहा है वन एंड माइनस जे, और अगर मैंने इसको वन माइनस जे लिया है लैम्डा टू तो मेरे पास वी टू जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू वन एंड जे. ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? अभी तो मैंने सिर्फ कंप्यूटेशन की है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके मैम, ये क्लियर है. Okay, so now what is the geometric interpretation of this eigen decomposition? Okay, let's talk about eigen, real eigenvalues. Aaj jis tarah maine shuru mein bhi discuss kiya tha, humne is cheez ka tazkira kiya tha ki what is actually happening, ki ab first I know ki this v1 is my eigen vector. Maine piche jo humne example ki hai one, usme se eigen vector ek mere paas ye wala aaya hua tha is eigen value ke corresponding. Theek hai, to Now I want to actually check कि जब मैं a को इस v1 से multiply करती हूँ तो is it actually giving me lambda 1 times v1, and I can see from here a को मैंने v1 से multiply किया मेरे पास 0.5 minus 0.5 आ रहा है which is actually equal to 0.5 times v1 which is lambda times v1. ठीक है, so what is happening, अब मैं अगर plot कर रही हूँ this was my v1 जो मैंने यहाँ plot किया हुआ है और जब मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो v1 इज जस्ट चेंज इन मैग्नीट्यूड विच इज द इफेक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, कि आपके पास जो है वो जो आइगन वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, उसको कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि सॉरी उसकी डायरेक्शन भी एक्चुअली चेंज हो सकती है, फ्लिप तो हो सकता है बट द थिंग इज कि उस वो एलोंगेट हो रहा है. इस केस में जो है वो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. Now let me take an other vector w, जो कि कोई भी रैंडम सा वेक्टर है, ये मैंने ले लिया, ठीक है, टू और वन ले लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ a के साथ. अब आप देखें कि दिस इज नॉट इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द आइगन वेक्टर. ओके सॉरी आइगन वैल्यू. सो व्हाट डज इट मीन, कि आपके पास आइगन So इसका मतलब है कि और जो दूसरे वेक्टर्स हैं उस मेरे पास जो भी सिचुएशन मौजूद है, जो भी डेटा मौजूद है, जो आइगन वेक्टर्स हैं वो एक स्पेशल तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, बाकी जो वेक्टर्स हैं उनका उनमें जो है वो उनका जो इफेक्ट उनके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स. सो इट मीन्स कि आइगन वेक्टर्स आर द स्पेशल वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जिनमें आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इट इज affected by the magnitude of the eigen values. Now what happens agar mere paas ye situation, ab ye to maine real eigen values ki baat ki na ki geometrically kya ho raha hai, agar hum complex pe jaate hain is case mein kya ho raha hoga, again aap dekhein what I am doing is main a ko v1 se multiply kar rahi hu and v1 is the what jo mere paas आइगन वेक्टर आया था सेकंड एग्जांपल से और इसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, आई एम गेटिंग दिस, और इस वेक्टर को अगर इसमें से 1 प्लस जे में कॉमन निकालूं तो आई विल कम अप विद दिस थिंग. ओके, मैं आपको जो है वो वेरीफाई आप खुद भी करके देख सकते हैं, या ये कि अगर आपको ये चीज नहीं लग रही कि इसके बराबर होगी तो व्हाट यू कैन डू इज कि एक साइड पे तो मैंने ए वी वन किया है ना, दूसरी साइड पे लेट्स मल्टीप्लाई लैम्डा बाय वी वन. लैम्डा क्या क्या है हमारे पास, वन प्लस जे. ओके लेट्स ऑल टेक वन मिनट एंड डू दिस थिंग, बट आई वांट यू टू गिव मी इज के लैम्डा वी वन मुझे आपने बताना है जबकि लैम्डा की वैल्यू जो है दैट इज सॉरी इट इज अ नंबर ओनली, वन प्लस जे एंड वी वन इज वन माइनस जे. चले जी एक मिनट लें और मुझे बताइए आप लोग ये क्या बनेगा लैम्डा वी वन. वन प्लस जे एंड वन माइनस जे वही चीज आ रही है ना जो ए वी वन आ रहा है. जी जी मैम. ठीक है ना, सो इट मींस कि बेसिकली
आपका ए जो जब हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस केस में भी कॉम्प्लेक्स के केस में भी तो इट इज गिविंग यू द सेम थिंग. लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में क्या हो रहा है, बिकॉज वन प्लस जे इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सो इट मीन्स के इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा. वी नो दैट कि अगर आपके पास कोई भी जो है वो उसको आप x1 plus j x2 की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो पोलर फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं r tangent inverse of x2 over x1. या तो what does this telling me as us के अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हैं तो वो स्केलिंग भी कर रही हैं और आइगन वेक्टर्स को रोटेट भी कर रहे होंगे. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's actually look at another example. जिससे ये शायद चीज़ ज़्यादा clear हो. This is actually figures. दो figures हैं. पहले figure में क्या हो रहा है? अब आप देखेंगे ये एक जो image मौजूद है, इसमें ये जो blue वाला vector है, that is an eigen vector. और हमने A matrix से इसके पूरे image को multiply किया है. Now what is happening is, ये जो येलो ये व्हाइट वाला है दिस इज आइगन वेक्टर. ठीक है, हमने पूरे इमेज को मल्टीप्लाई किया, यू कैन सी कि आपके पास बाकी तमाम के तमाम वेक्टर्स जो है वो इफेक्ट आया. आई डोंट नो एक्चुअली कि आइगन वैल्यू है क्या, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास बाकी तमाम के तमाम वेक्टर्स जो है वो उनकी डायरेक्शंस भी चेंज हो रही हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ, बस ये वाला आइगन वेक्टर जो है इट रिमेंस द सेम. एंड यहां से मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों का जो है डिफरेंस भी सेम है, सो मे बी आइगन वैल्यू वाज 1. So what is happening कि आइगन वेक्टर जो है that is a vector कि जिसमें values जो है वो change, जिसकी value change नहीं हो गई after multiplication with eigen value, and that is actually for the case of real eigen value. अगर complex है तो उस case में क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो image है पहला वाला, this is actually transformed, rotated by 45 degrees and स्केल बाय रूट टू ऑल्सो. ठीक है, और रोटेशन किस वजह से हो रही है, बिकॉज आइगन वैल्यू जो थी दैट वॉज अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड भी था जो कि इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा एंड फेज भी था जो कि इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा. बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीज हमें ओवरऑल पता चल रही है वो ये कि आइगन डिकम्पोजिशन से का मतलब ये है कि अगर आपके पास आइगन वैक्टर्स मौजूद हैं तो दे विल बी just multiply by the eigenvalues when you are transforming them by applying the matrix on them. ठीक है, is it clear to everyone now? कोई question है इस वक्त यहाँ तक? नहीं मैम. Okay, ठीक है. Okay, so now from this part of the lecture, what we conclude is कि हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स है जिसके हम आइगन डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उस आइगन डिकम्पोजिशन के थ्रू वी एक्चुअली गेट द वेक्टर्स जिन पे उस मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये इफेक्ट डाल रही होगी तो ये कि आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही होती है. ठीक है, और बाकी तमाम वेक्टर्स जो है वो उससे डिफरेंट, जो आइगन वेक्टर्स नहीं होते वो डिफरेंटली इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं बाय दीज ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है, मैं आपको एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली होमवर्क दूंगी इस लेक्चर के बाद. पिछले के बाद मैंने नहीं दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, थोड़ी सी ये डिबेट चल रही थी कि किस तरह से होंगे लेक्चर्स, क्या होंगे, तो थोड़ा सा मैंने वो कर दिया था, पॉज दिया था. लेकिन मैं दूंगी उसमें, मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको दूंगी कि जिसमें यू विल हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ के ये जो आइगन डिकम्पोजिशन हो रही है तो बेसिकली अगर फर्स्ट करें कि वेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे तो उससे हमें फायदा क्या है. ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तो हमें ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से जो है वो आइगन वैल्यूज आइगन डिकम्पोजिशन से ऐसे वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं जो कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंज नहीं हो रहे सिवाय इसके कि आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो स्टिल व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे वेक्टर्स चाहिए आपको कि जो आइगन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होकर चेंज ना हो रहे हो, तो उसको खैर हम होमवर्क में देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आई एम श्योर आप लोगों के लिए शायद नया होगा, हो सकता है आप में से किसी और ने किसी ने किया हुआ भी हो बट नॉट ऑल ऑफ यू, विच इज डायगनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिसेस. अच्छा, डायगनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आप मैट्रिक्स, ओके सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन एंड देन वी देन सी के व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. सो ए इज कॉल्ड डायगनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट
एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा, आप सबको पता. What does it mean by linearly independent eigenvectors? एक दूसरे की मल्टीपल नहीं है, ठीक है? Which means simply means कि अगर मैं c1 v1 plus c2, हाँ जी c2 v2 से लेकर c, अच्छा ये वेक्टर्स हैं, cn vn equal to 0 is possible only when all c1, c2, c n are zeros. ठीक है, linearly एक दूसरे के terms में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है? So if so it is called diagonalizable and let's see कि diagonalization का मतलब क्या है. अच्छा चलें इस पे तो मैं बाद में आती हूँ. अच्छा अब diagonalizable अगर सब की सब linearly independent हैं और let's suppose कि मैं एक बड़ा सा matrix बना रही हूँ which is actually collection of these matrices, these vectors. तो linearly independent होने की वजह से इस v की क्या property होगी, कौन बताएगा? If all of them are linearly independent, then v is what? n eigenvectors, यानी और n ही इसका जो matrix है basically, this is also A is n by n matrix. So it means कि मेरे पास जितने भी आइगन वैक्टर्स हैं ऑल ऑफ देम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर एन आइगन वैक्टर्स है तो एनी आइगन वैल्यूज भी होंगी. मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा. ये ए वी वन लेमडा वन वी वन होना चाहिए, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे दूसरे वाले में जो है वो लेमडा, यहाँ लेमडा वन होना चाहिए. ओहो सॉरी जी, लैम्डा वन होना चाहिए, लैम्डा टू होना चाहिए, ठीक है? एंड में मैंने इसको सही कर दिया लेकिन मैं पीछे भूल गई हूँ करना, ठीक है? ये ऑल ऑफ दीज आर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री एंड सिमिलरली, क्योंकि जितने ज्यादा आप जितने आपके पास आइगन वेक्टर्स हैं उतने ही आइगन वैल्यूज हैं, सो लैम्डा वन टू लैम्डा एन आ जाता है. इस साइड पे आप वी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट राइटिंग. अब देखें ए वी वन क्या आएगा, ए वी वन विल बी अ वेक्टर. आप अगर मैट्रिक्स और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल रहा होता है एट द एंड? जी कौन बताएगा? मैम वेक्टर ही मिलता है. वेक्टर मिलता है ना हमेशा, क्योंकि तो एग्जांपल ये तो हम करते रहे हैं ना, ए एक्स इक्वल टू वाई, तो दूसरी साइड पे हमेशा वेक्टर ही हो रहा होता है, ठीक है? सो दीज आर ऑल वेक्टर्स. मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दी. एंड दूसरी साइड पे मैंने इसी तरह से ये जो है ये भी मेरे पास वेक्टर्स हैं, इन तमाम वेक्टर्स को भी मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया. एंड देन because a is the common multiplier, तो a matrix को मैं बाहर निकाल सकती हूँ. and similarly यहाँ से lambdas are actually constant, तो आप again इस चीज को आप खुद करके देखेंगे कि how does it come out to be like this, ठीक है? because they are constant numbers, तो वो आपके पास एक diagonal की form में होंगे अगर मैं उनको इसके अंदर से बाहर extract करना चाहती हूँ. so it means कि I have two vectors, two matrices here a and this is the matrix v, the whole matrix जिसकी हमने यहाँ पे भी बात की है, ठीक है? and then इस matrix को, ये जो diagonal matrix मेरे पास आ रहा है of all the lambdas, इसको मैंने capital, ये lambda होता है या delta होता है? capital lambda ही होता है ना, ये वाला sign इस तरह का जो होता है, I think it should be capital lambda. anyway इस sign के साथ जो है वो हमने इसको show किया हुआ है. I will actually verify कि इसको lambda ही, मेरे ख्याल है capital lambda होता है, ठीक है? so this is actually a matrix again which is a diagonal matrix, and because the columns of V are linearly independent, so V inverse exists, and it means that we can write A as V lambda V inverse, and this is called eigen decomposition or diagonalization of A. और इसी चीज से जो है हम एक और चीज भी निकाल सकते हैं. एक तो हमने इस तरह निकाला है, दूसरी चीज में क्या लिख सकती हूँ, I can also write
this lambda, capital lambda, as equal to V inverse A V. Why? Because yani agar main inverse is side pe leti hu, ye iska inverse, isko agar main khatam kar rahi hu V ko jo ki lambda ke saath hai, ye wala V, to iska matlab hai maine dono sides pe inverse is side se laga diye hain. So I get this equation. और अगर मैं a को लिखना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो मैंने इनवर्स इस साइड से लगाया है एंड आई एम गेटिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल सी व्हाई, बट दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक तो ये कि तमाम के तमाम वेक्टर्स हो मौजूद एंड दे आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन इन दैट केस यू कैन राइट द मैट्रिसेस इन डायगोनलाइज्ड फॉर्म. ठीक है, अच्छा, इसके बाद वी हैव okay, now we will talk about, अब हमें identity composition का पता चल गया है, we will talk about last part, last की थोड़ी सी slides हैं जो कि हम करेंगे और then we will stop, लेकिन डेढ़ मिनट में जो है वो ये खत्म हो जाएगा, ये वाला 40 minutes बीच हैं, तो उसके बाद we will need to reconnect one more time, लेकिन उससे पहले जो है वो what I would like you to do is actually मेरे पास एक example कुछ कह रही हूँ और फिर एक मिनट में वो हो जाए और फिर मैं दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ. ठीक है, तो जस्ट वेट.